अस्सलाम वालेकुम जी। बस आज जो है हम एक नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम बेसिकली एक सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीरीज से मुराद ये है कि मैंने ये प्लान किया है कि मैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन फिजिक्स और फिर मैथमेटिक्स भी, पहले हम फिजिक्स को देख लेंगे फिर हम मैथमेटिक्स की तरफ चले जाएंगे। तो मैट्रिक एफएससी फिजिक्स के पहले हम जो पिछले 5 साल मतलब लास्ट 5 ईयर जो पास पेपर्स हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। एक वीडियो मैं आपको एक पेपर की एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे 9th क्लास के। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 9th क्लास के उसी पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। फिर एक थर्ड वीडियो होगी जिसमें हम उसी पेपर के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि हम एक पेपर के ऊपर 3 वीडियोस बना लेंगे। और क्योंकि 5 साल के पेपर्स होंगे तो 15 वीडियोस जो है वो हम 1 साल के पेपर के ऊपर जो है वो 5 पेपर्स के ऊपर जो है 5 पेपर्स के सिर्फ एमसीक्यूज पे 15 बनाएंगे, सॉरी 5 बनाएंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन पे बनाएंगे और 5 लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो 15 वीडियोस हमारी इस तरह बन जाएंगी। 1 साल के 5 साल के पेपर्स के ऊपर, तो इस तरह फिर हम डिफरेंट वीडियोस जो हैं वो बनाएंगे। और जब हम 2018, 2019, 2017, 16, 15 इस तरह के जो लेटेस्ट पेपर्स हैं फिजिक्स के फेडरल बोर्ड के लास्ट 5 ईयर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हम इस तरह पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। और फिर जब ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो फिर हम लास्ट 5 ईयर मैथमेटिक्स के पेपर्स जो हैं वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो आज मैं पेपर नहीं सॉल्व करूंगा आप लोगों के साथ, आज जस्ट मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आप लोगों ने अगर कोई भी फेडरल बोर्ड का लास्ट 5 ईयर अगर पेपर आपने डाउनलोड करने हो तो आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहाँ पे जाके पिछले 5 साल के पेपर्स मिलेंगे या इवन उससे भी पुराने पेपर्स। तो मैं फेडरल बोर्ड की बात करूँगा तो, लेकिन अगर आपको किसी और बोर्ड के लिए भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि लास्ट पेपर्स होते हैं कुछ सालों के वो कहाँ पे होते हैं, कैसे हम उन्हें अप्रोच करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर एक वीडियो बना लूँगा। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें, और ताकि इन फ्यूचर भी मैं इस तरह की बहुत सी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस बनाऊंगा तो आपको बर वक्त उसकी अपडेट जो है वो मिल सके। तो इंटरेस्टिंग करेंगे चीज़ें, पहले हम इस तरह लास्ट 5 ईयर पास पेपर जो हैं फिजिक्स के फिर मैथमेटिक्स के ये डिस्कस करेंगे। फिर हम ये इंशाल्लाह जब हो जाएगा फिर हम मैट्रिक एफएससी फिजिक्स के लेक्चर्स भी स्टार्ट कर देंगे साथ में। और फिर जो है अल्लाह ने चाह तो हम मैथमेटिक्स के लेक्चर्स भी वो हैं कर लेंगे। डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड होगी इंशाल्लाह, कोशिश करूंगा कि दिन में 5 से 6 वीडियोस जो हैं अपलोड हों और टाइम ड्यूरेशन भी बहुत ज़्यादा ना हो। कोशिश करूंगा कि विद इन हाफ आवर ही लिमिट करूं हर वीडियो को। तो चलें अब मजीद टाइम को वेस्ट किए बिना वीडियो का आगाज जो है वो कर लेते हैं। तो ठीक है, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपने फेडरल बोर्ड के लास्ट 5 ईयर पेपर जो है फिजिक्स के वो आपने कहाँ से और कैसे अप्रोच करने हैं। आप में से बहुत से लोग तो वाकिफ भी होंगे इस बात से, ये मैंने ब्राउजर आपके सामने ओपन किया हुआ है गूगल, आप लोग कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हैं
इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर सकते हैं, फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से बेस्ट जो है वो गूगल क्रोम ही है। तो खैर मेरे पास ये इंस्टॉल है तो मैं इसी से ही ब्राउजिंग करूंगा। तो मुझे फेडरल बोर्ड के फिजिक्स के लास्ट 5 ईयर के पेपर चाहिए ना, तो मैं पहले तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट को विजिट कर लेता हूँ। फेडरल बोर्ड की वेबसाइट है जी FBIS, फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन। चलें जी, तो इसे जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। ये आ गया। ये बेसिकली हमारे पास डिफरेंट लिंक्स आ रही हैं, वेलकम टू FBISC, रिजल्ट्स ऑफ HSSC, रोल नंबर, स्लिप्स, रिजल्ट ऑफ SSC पार्ट वन, एनुअल, न्यूज अपडेट, सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स, और ये इस तरह की चीजें। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है वेलकम टू FBISC। ठीक है, ये मेन वेबसाइट का पोर्टल आ गया हमारे पास। अपडेट कर दी है वेबसाइट फेडरल बोर्ड वालों ने, काफी अच्छी वेबसाइट है इन लोगों की, फेडरल बोर्ड की। अच्छा, तो ये तो लेटेस्ट न्यूज आ रहे हैं, इसे आप एक काम करें यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। देखिए फेडरल बोर्ड ने काफी अपडेशन की है, देखें लाइव हेल्प भी मौजूद है, इस टाइम ऑफलाइन है, अदरवाइज मतलब आप कोई वेबसाइट में आपको ब्राउज कर रहे हैं कोई भी चीज, सपोज माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए, या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, रोल नंबर स्लिप देख रहे हैं, फी इंफॉर्मेशन चलान, या कुछ भी आप कर रहे हैं रिजल्ट्स वगैरह, और अगर वेबसाइट में कोई इश्यू आता है या आपको समझ नहीं आ रही, तो आपकी हेल्प के लिए ये बेसिकली फेडरल बोर्ड ने एक ऑनलाइन हेल्प जो है वो प्रोवाइड की हुई है। ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है, काफी एडवांस और बड़ा यूजफुल स्टेप है, एक एडवांस ये चीज है। खैर, तो हम देखने जा रहे थे लास्ट 5 पेपर्स। तो जहर पेपर्स का ताल्लुक जो है वो स्टूडेंट से होता है, तो लिहाजा स्टूडेंट्स में ही आपने चेक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे शो हो रहा है सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स, फी चालान, इंफॉर्मेशन, रिजल्ट्स। तो आप सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स में देखें। ठीक है, हम देखें यहाँ डिफरेंट ऑप्शन जो है नज़र आ रही हैं आपके पास, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स थ्योरी, और ये डिफरेंट, ये रिड्यूस सिलेबस बेसिकली, जो ये कोरोना की वजह से ये चीज़ें जो है वो नहीं आई थी, क्योंकि जब क्लासेस नहीं हुई थी तो एग्जाम्स जब फिजिकल हुए स्टूडेंट्स के, तो उनका सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया गया था 2021 में। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो है वो इंक्लूड किए गए थे, काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो स्किप करा दिए गए थे। खैर, ये देखें यहाँ पे एक आपको ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, आपने क्या करना है, हमें ज़रा ओल्ड पुराने पेपर्स ही चाहिए ना फिजिक्स के, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। ठीक है जी, ये देखिए, ये आपके पास जो है वो पुराने पेपर्स आ रहे हैं, 2019 के, 18 के, 17 के, 16 के, 15, 14, 13, 12। ठीक है, देखें 2012 से लेके 2019 तक के आपके पास ओल्ड पेपर्स जो आ रहे हैं, और इसमें हर सब्जेक्ट के पेपर्स मौजूद हैं, चाहे आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं, आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की, आप उर्दू की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की, एजुकेशन की, साइकोलॉजी की, बायोलॉजी की, हर चीज़ के पेपर्स जो हैं यहाँ से आप इजिली सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो खैर, 7 ईयर्स के पेपर जो है यहाँ पे मौजूद हैं, 2012 से 2019 तक। तो चलें लेटेस्ट ही हम देख लेते हैं। देखें ये है SSC 1, SSC बेसिकली हम 9th के लिए यूज करते हैं, एनुअल 2019, मतलब सालाना जो पेपर था 9th क्लास का, ये उसके लिए पेपर है। और ये SSC 2, 10th क्लास का जो एनुअल पेपर था 2019 का, ये वो चीज़ है। ठीक है, इस तरह HSSC 1 ये बेसिकली फर्स्ट ईयर है, और ये HSSC 2 ये सेकंड ईयर है, इस तरह ये हर एक में आपको नज़र आ रहा है। हाँ, यहाँ पे जिस जिस तरह 18 में देख लें या 17 में देख लें, यहाँ पे
आपको एनुअल के साथ साथ सप्लीमेंट्री भी नजर आ रहे होंगे, 9th के लिए भी, 10th के लिए भी, फर्स्ट ईयर के लिए भी, सेकंड ईयर के लिए भी। ये बेसिकली जो स्टूडेंट्स अगर कोई फेल हो जाते हैं ना तो वो सप्लीज वगैरह देते हैं, बाद में क्लियर करते हैं, या इवन इम्प्रूवमेंट के पेपर्स भी होते हैं तो वो भी यही इन्हीं में ही काउंट होते हैं। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना एनुअल एग्जाम्स का, तो जिन स्टूडेंट्स की सप्लियाँ आती हैं या जो इम्प्रूव करना चाहते होते हैं तो साथ ही जो है वो वेबसाइट के ऊपर फॉर्म्स आ जाते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, और क्या कहते हैं जो सप्लीज में दोबारा अपीयर होना चाहते हैं, और कुछ मंथ्स बाद उनके वो दोबारा एग्जाम होते हैं, और अगर वो क्लियर कर जाते हैं तो वो उनके रिजल्ट जो है वो दोबारा अपडेट हो जाते हैं। तो खैर ये चीजें इसी तरह चलती हैं। अच्छा मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये 2019 की सपोज बात करते हैं, SSC 1 9th को देख लेते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अब मेरे पास ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं। ये बेसिकली इन सब्जेक्ट्स ये पेपर्स हैं, ठीक है। ये अरबी का पेपर है 2019 का 9th क्लास का एनुअल पेपर, ठीक है। इस तरह ये आर्ट एंड मॉडलिंग ड्राइंग का है, आर्ट एंड मॉडल ड्राइंग, ठीक है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविक्स और ये दूसरे कंप्यूटर साइंस देखें, ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग है ना, ये मैं आपको बता दूं, ये भी जो है ना 9th 10th में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है। जिस तरह मतलब एक ग्रुप होता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री तो होती ही होती है, साथ बायोलॉजी होती है या कंप्यूटर साइंस होती है, एक थर्ड चीज भी होती है इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो जो लोग मैड्री में अगर बायो और क्या कहते हैं कंप्यूटर नहीं पढ़ते ना तो वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी पढ़ते हैं। इसमें ये करंट, इलेक्ट्रिसिटी, वायरिंग के रूल्स और ये इस तरह की चीजें जो है वो पढ़ाई जाती हैं। अच्छा सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा इंग्लिश कंपलसरी, इथिक्स, फूड एंड न्यूट्रिशन, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जियोग्राफी, जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात कंपलसरी, मैथमेटिक्स, पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू कंपलसरी, वेल्डिंग, वुड वर्क एंड फर्नीचर मेकिंग। ये मतलब सोशल और नेचुरल सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे मौजूद है, सिंधी और फिजिक्स, ठीक है। तो ये बेसिकली 2019 के एनुअल एग्जाम्स हैं, ठीक है, हर सब्जेक्ट के। हम क्योंकि स्पेसिफिकली फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हम मैं फिजिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें ये अब क्या है, ये मेरे पास आ गया, ये है 2019 फिजिक्स का एनुअल पेपर। इस तरह अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, सपोज मैथमेटिक्स का चाहिए, तो आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे और इस तरह आपके पास एक चीज आ जाएगी कि डाउनलोड कर लें, क्या कर लें। तो ये फिजिक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसके लिए आया, तो चलें डाउनलोड करके देख लेते हैं, ठीक है। डाउनलोड हो गया, अब मैं इसे करता हूँ, क्या कर लेता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, तो देख लेते हैं। ये देखिए ओपन हो रहा है ये पेपर, ये देखिए। अगर आप लोगों में से किसी पेपर दिए तो फेडरल बोर्ड का, ये इस तरह का आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, यहाँ पे रोल नंबर आपने लिखना होता है जो 2 4 6 डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होते हैं, यहाँ पे जो आपको एक आंसर शीट दी जाती है जहाँ पे आप अपने सारे लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जिनके आंसर लिखते हैं उस शीट का, यहाँ पे आप नंबर लिखते हैं, और यहाँ पे जो इन्विजिलेटर होता है आपका, जो एग्जामिनर होते हैं आपके ऊपर ड्यूटी दे रहे होते हैं, वो यहाँ पे साइन कर देते हैं अपने। तो ये इस तरह यहाँ टाइम मेंशन होता है सारा कुछ, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ये MCQs होते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर की जिस तरह इस पेपर में है, तो देखें ये अब उर्दू में भी है, जाहिर है क्योंकि अगर कुछ अभी भी पाकिस्तान में उर्दू मीडियम में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मतलब साइंसेस के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो ये वाला जो है उर्दू पोर्शन जो है उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, पर मोस्टली आई गेस अब इंग्लिश मीडियम की तरफ शिफ्ट कर गए हैं, और करना भी चाहिए, जरूरी है,
क्योंकि इंग्लिश के बिना भी गुजारा नहीं है। तो अच्छा, इस तरह ये फिर जब आप लोग एमसीक्यूज सॉल्व करके एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं, एक स्पेसिफिक टाइम होता है आपके पास जो यहाँ पे मेंशन है, कितना मेंशन है, 20 मिनट। तो फिर ये आप जो आपकी ये एमसीक्यूज आंसर शीट होती है, ये आप अपने एग्जामिनर के हवाले कर देते हैं, फिर आपको ये आगे वाला पोर्शन बी जो है वो दिया जाता है, ये वाला। इसमें सेक्शन बी और सी होते हैं। सेक्शन बी होता है, इसमें ये 33 मार्क्स का होता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, प्योर डेफिनेशन होते हैं, कुछ हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स भी होते हैं, रीजंस पूछी गई जाती हैं आपसे। तो खैर ये 15 जिस तरह क्वेश्चंस हैं, और इसमें से आपने कोई 11 करने हैं, तो ये चीज होती है। फिर उसके बाद आपके पास सेक्शन सी होता है, ये 20 मार्क्स का होता है, 3 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बने होते हैं हर क्वेश्चन के, जिस तरह इसके भी 3 पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, तो आपने कोई से 2 करने होते हैं। तो इन ये 2 सेक्शंस आपने फिर एक साथ सबमिट करने होते हैं, और इन दोनों सेक्शंस के लिए आपके पास जो टाइम होता है वो 2 घंटे और 40 मिनट होते हैं। और जो टोटल टाइम होता है आपके पास पेपर का, फिर इस हिसाब से कितना हुआ, 2 घंटे 40 मिनट ये हो गए, और 20 मिनट वो, 2 घंटे 60 मिनट, तो और 60 20 180, तो मतलब 4 घंटे का पेपर होता है आपके पास बिल्कुल। तो खैर ये हम करेंगे, ये पेपर भी हम करेंगे डिस्कस, प्रॉपर सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। एक वीडियो इसके ऊपर होगी एमसीक्यूज के ऊपर, फिर एक वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर होगी, फिर एक वीडियो इन लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर होगी। ये हम सारी चीजें डिटेल में देखेंगे। आज तो बस इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना है कि आप जो है इस तरह फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे आएंगे, वहां से आप स्टूडेंट जो ऑप्शन यहाँ फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स में आएंगे, ये आपके पास सारी चीजें आएंगी। आप फिर एक ईयर सेलेक्ट कर लेंगे कि किस ईयर के पेपर को आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपके पास उस ईयर के सब सब्जेक्ट्स के पेपर्स आपके सामने आ जाएंगे, और जिस सब्जेक्ट के पेपर को आपने डाउनलोड करना होगा वो आप बड़ी आसानी से जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। तो खैर ये मैंने एक पेपर आपको डाउनलोड करके दिखा भी दिया, जो कि फिजिक्स 9th क्लास 2019 का कंपलसरी एग्जाम था। इस तरह आप यहाँ से केमिस्ट्री का भी पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी 2019 का होगा, ये देख देख लेते हैं, देख यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा, चलें ठीक है। इस तरह आप कोई और भी कर सकते हैं। तो खैर अब ये तो था 9th क्लास के लिए, ठीक है, यहाँ से आप 2018 का भी बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी पेपर आपको चाहिए, ठीक है। अब आपने अगर 10th क्लास का फिजिक्स का पेपर डाउनलोड करना है, किसी भी साल का आपके पास मौजूद है, देखिए यहाँ पे आपके पास SSC 2, ये बेसिकली 10th क्लास होती है, इस तरह फर्स्ट ईयर के पेपर भी मौजूद है, सेकेंड ईयर के पेपर मौजूद है, और कहाँ से कहाँ तक मौजूद है, 2012 से लेके 2019 तक, मतलब 7 साल के पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, हर सब्जेक्ट के, 9th के 10th के फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के, और इनके कंपलसरी पेपर भी, वो फिर सप्लीमेंट्री पेपर्स भी, और हर सब्जेक्ट के। तो इस तरह अगर आपने 10th क्लास का कोई भी पेपर डाउनलोड करना है तो आप यहाँ जाएंगे, अगर 2019 का करना है जो लेटेस्ट है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ आपके पास सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब जो भी आपने सब्जेक्ट का पेपर डाउनलोड करना होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके बड़ी आसानी से वो पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात करें फिजिक्स की, तो आप फिजिक्स के ऊपर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से आप इसे जो है वो डाउनलोड कर लेंगे, और इसी तरह ओपन कर लेंगे, जिस तरह ये मैंने जो है आपके साथ ये पेपर जो एक ओपन किया था, ठीक है, इस तरह ये 9th का 2019 का फिजिक्स का पेपर ओपन किया था, इस तरह आपके पास एक 10th का 2019 का फिजिक्स का पेपर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब
बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी। इस तरह आप 9 10 दोनों के पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको फर्स्ट ईयर के पेपर चाहिए तो आप HSSC 1 के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर 2019 का चाहिए। इस तरह अगर आपको सेकंड ईयर 2019 का पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश उर्दू, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। अगर सेकंड ईयर 2019 का आपको पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, इस तरह अगर आपको 2018 का पेपर चाहिए 9th का, तो वो आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। 10th का चाहिए तो वो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। फर्स्ट ईयर 2018 का चाहिए तो वो यहाँ से, सेकेंड ईयर 2018 का चाहिए तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। सपोज क्लिक करके मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 2018 का पेपर होगा। अगर आपको फिजिक्स का पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, यहाँ पे ऐसे आप इजीली डाउनलोड कर लेंगे। तो ये सेकेंड ईयर 2019 का एनुअल पेपर होगा। ओके जी, अब इस तरह ये आप 2019 से लेके 2012 तक हर सब्जेक्ट का पेपर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री भी और एनुअल भी, ठीक है। और इस पेपर में आपके पास MCQs बेस्ड पार्ट भी होगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे। और एक बात आपको बताता चलूं, ये आप सबसे पहले अपनी जो है वो तैयारी किया करें। आपकी जो भी बुक्स होती हैं मैथ की, फिजिक्स की बात करें तो आप फिजिक्स की बुक के सारे एक्सरसाइज के MCQs किया करें, शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर किया करें समझ के, फिर रटन हमारा करें, फिर लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया करें, बुक को भी पढ़ा करें, उसकी हर एक चीज को डेली लाइफ से रिलेट किया करें। और फिर आपके पास अगर टाइम बच जाए तो फिर आप इन ये जो पेपर्स होते हैं 5 ईयर पिछले पुराने 5 साल के, इनको एक दफा गो थ्रू लाजमीन कर लिया करें। क्यों? क्योंकि ये जो पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और सम टाइम कुछ क्वेश्चन जो है इनमें से वो रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो चले मैं अब इस वीडियो को समराइज कर देता हूँ, और फिर इस वीडियो को हम लोग जो है वो एंड कर देते हैं। तो मैंने इस वीडियो का मकसद क्या था, क्या बताया आपको? इस वीडियो का मकसद था कि हमने एक तो ये है कि हम फिजिक्स की सबसे पहले जो है एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम 9th क्लास 10th क्लास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लास, इन चारों क्लासेस के हम पुराने जो 5 साल पेपर्स हैं, लेटेस्ट 5 साल पेपर हैं, वो हम क्या करेंगे, वन बाई वन जो है वो सॉल्व करेंगे। उसमें MCQs भी हर पेपर के होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है। एक बात क्या हमने करना है, हमने फिजिक्स के पुराने 5 साल जो पेपर हैं 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो कंप्लीटली सोल्व करने हैं, इंक्लूडिंग MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। ओके, ये तो हमारा मकसद हो गया इस लेक्चर का, जो जिसमें मैंने आपको मकसद बता दिया कि हमने करना क्या है, ठीक है। ये और ये जो चीजें हैं ये आने वाले कम से कम 15 20 दिनों तक तो ये चीज चलेगी। अच्छा, फिर सेकंड मैंने आपको इस वीडियो का मकसद ये था कि मैंने आपको ये बता दिया कि अगर आपको कोई भी पुराना पेपर चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने आपको फेडरल बोर्ड के लिए बता दिया, और फिजिक्स का पेपर मैंने आपको एक डाउनलोड भी करके दिखा दिया कि आपने करना क्या है। आपने सिंपल जो है अपने ब्राउजर पे जाना है, अगर गूगल है तो गूगल पे जाना है, कोई और है तो किसी और पे जाना है। तो आपने उसमें क्या लिखना है, अपने ब्राउजर में जाके आपने लिखना है FPISC, अगर आप फेडरल बोर्ड के पेपर जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं। आप ये करेंगे, फिर आप यहाँ पे चले जाएंगे, वेलकम टू FPISC, ठीक है। यहाँ पे हमने एक बात की कि ये हेल्पलाइन भी प्रोवाइड मौजूद होती है फेडरल बोर्ड की तरफ से, जिससे आप हेल्प भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज में समझ नहीं आ रही हो, आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, कुछ भी, अब हमने पेपर्स डाउनलोड करने हैं पुराने, क्योंकि स्टूडेंट्स से ताल्लुक होता है पेपर का, तो आपने यहाँ पे जाना है फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स में जाना है, यहाँ से आपने जाना है
ओल्ड क्वेश्चंस पेपर्स पे, और यहाँ से आपके पास ये आपको सारे पुराने पेपर्स जो है नजर आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे इस वेबसाइट पे 2012 से 2019 तक के पेपर्स मौजूद हैं, 7 साल। अगर आपको 2019 का पेपर चाहिए, अगर 9th का चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे SSC 1, 10th का चाहिए तो आप SSC 2 पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट ईयर का चाहिए तो आप HSSC 1 पे क्लिक करेंगे, सेकेंड ईयर का चाहिए तो आप HSSC 2 पे क्लिक करेंगे। इस तरह अगर आपको 2018 का पेपर चाहिए 9th का, तो इधर क्लिक करें, 10th का तो इधर से डाउनलोड होगा, फर्स्ट ईयर के लिए ये, सेकेंड ईयर के लिए ये, और अगर सप्लीमेंट्री के लिए चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ क्लिक करके 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के डाउनलोड कर सकते हैं। और सप्लीमेंट्री मैंने आपको बता दिया है, जो लोग फेल होते हैं तो वो बाद में पेपर देते हैं उसे सप्लीमेंट्री कह रहे होते हैं, या जो इम्प्रूवमेंट के लोग पेपर देते हैं वो। तो फिर मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे आपके पास, फिर आप अगर सपोज आपको 9th का कोई पेपर चाहिए किसी एक सब्जेक्ट का और 2019 का, तो आप 2019 में गए 9th पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जिस सब्जेक्ट को आपको पेपर चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक करके, जिस तरह इकोनॉमिक्स का चाहिए तो ये आपके पास स्टार्ट डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, तो इसे आप यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये आपके पास पेपर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। तो चलें इस वीडियो को यहीं पे अब एंड कर लेते हैं। एक बार फिर आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर और लाइक भी कर दें, और इंशाल्लाह मिलते रहेंगे बार बार। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।